So, दोस्तों ये है मेरा आलीशान रूम। डॉर्मेटरीज का था 400 सिर्फ डॉर्मेटरीज का। ओके, तो यहाँ पर आज दिखाऊंगा, रिवील करूंगा, रिव्यू करूंगा एक बहुत ही फैंटास्टिक होटल के बारे में। तो अगर मैं अकेला हूँ तो भाई मेरा तो प्रेफर होगा ये ऊपर वाला बेड, यहाँ पर सो जाऊंगा। और यहाँ पर देखो एक सीढ़ी भी है, सीढ़ी लगाओ, यहाँ पर आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो। दोस्तों मैं अभी चल रहा हूँ वाराणसी के अली गली के अंदर से। वाराणसी का सबसे सस्ता टिका होटल कौन सा है? अगर आप सोलो ट्रिप करना चाहते हो तो आप आ सकते हो उस होटल में। अगर आप रूम चाहते हो, टू सीटर, थ्री सीटर में, दो बेड, ट्रिपल बेड का रूम, वो भी आपको मिल जाएगा इसी होटल में। दोस्तों मैं अभी चल रहा हूँ वाराणसी के अली गली के अंदर से। तो यहाँ पर आज दिखाऊंगा, रिवील करूंगा, रिव्यू करूंगा एक बहुत ही फैंटास्टिक होटल के बारे में, जिस होटल में मैं लगभग 2 दिन से रह रहा हूँ। इतना बजट फ्रेंडली है, इतना बढ़िया सर्विस है, और भाई एज अ बजट ट्रेवलर मुझको तो बहुत 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 पसंद आया। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे कोवाला होटल, उसका नंबर देंगे, कैसे बुकिंग करेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन कर देंगे। आप दोस्तों के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, और अगर आप चाहते हो अगर अकेला आना, सोलो ट्रिप करना, तब भी एज अ सोलो ट्रिप, एज अ बैकपैकर आप डॉर्मिटोरीज में बुक कर सकते हो, हॉस्टल भी बुक कर सकते हो उसी होटल में। तो चलिए होटल का पूरा रिव्यू दिखाते हैं आपको, बताते हैं होटल कहाँ है, होटल का लोकेशन है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन। यह है मेरा हॉस्टल और होटल का नाम, इसका नाम है गंगा फूजी होम एंड रेस्टोरेंट। ऐसा डॉर्मिटोरी आप बुक कर सकते हो, होटल भी बुक कर सकते हो, और सिंगल बेड भी बुक कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। चलिए अंदर जाते हैं और रूम का रिव्यू पहले दिखा देते हैं। So, दोस्तों ये है मेरा आलीशान रूम इन अ वेरी बजट। ओके, चलिए आपको रूम टूर करवाते हैं, रूम में क्या क्या चीज आपको दिखा देते हैं। पहले देखो ये है द बेड, इस बेड में 2 पिलोज दिया गया है, बट मैं अकेला सोया हूँ इसलिए 2 पिलो को मैं एक साथ ले लिया। एक कंबल यहाँ पर है, एक बहुत ही फैंटास्टिक वेल ऑर्गेनाइज रूम है भैया। रूम में पहले आपको नजर जाएगा ये वाला टीवी में, अगर आप टीवी चाहते हो देखना, आप टीवी ऑन करके टीवी देख सकते हो, और एसी भी है, बट ये ठंडे का टाइम है। ओके, विंटर सीजन है तो मुझे तो एसी जरूर नहीं पड़ा है। और सबसे खास चीज और सबसे सुपर चीज मुझे लगा ये लाइट्स, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द, यहां पर है के वहां पर है के, यू कैन यूज इट एज अ लाइट लैंप, आप यूज कर सकते हो। मान लो लाइट को अगर मैं बंद कर दूं, जस्ट वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ओके, लाइट को जला लेते हैं। तो ये है ऑल दिस सीन ओवर हियर, बहुत ही कंफर्टेबल एंड ठीक ठाक जगह है। अभी आपको दिखाते हैं इसका वॉशरूम का सीन, दिस इज अ वॉशरूम। सो खोल लेते हैं, यहां पर देखो बहुत ही साफ सुथरा ये वॉशरूम, मिरर भी है, नीट एंड क्लीन है, पानी सफिशिएंट है, लाइट भी भैया यहाँ पर सफिशिएंट है, हैंगर भी लगा हुआ है राइट ओवर हियर। तो यहाँ पर देखो 2 बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट है, यहाँ पर आप देखो वहाँ पर एक डिज़ाइनर पोर्ट्रेट है, यहाँ पर एक पोर्ट्रेट है, पंखा भी लगा हुआ है, लाइट तो सफिशिएंट यहाँ पर है। ये देखो ये कोई डिज़ाइन नहीं है भैया, ये एक रैक है, यहाँ पर आपका चीज़ रख सकते हो। मैं मेरा कैमरा एक्सेसरीज का जो टोकरी है उसको मैं यहाँ पर रखा हूँ। बहुत ही एंटीक वाला लुक दिया गया, ये बैकपैकर्स का रूम है इसीलिए बहुत फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं, मीन्स विदेश से लोग आते हैं। मैंने रिव्यू में देखा था बहुत फॉरेनर लोग पसंद करते हैं बजट फ्रेंडली। और ये जगह का सबसे जो फेवरेट चीज़ मुझे लगा इसका लोकेशन, इसका लोकेशन और प्राइस। उसका प्राइस पहले बोल देता हूँ, उसके बाद लोकेशन मैं बोल रहा हूँ। इसका प्राइस है भैया booking.com से मैंने बुक किया था, इसका प्राइस पड़ा सिर्फ 2 दिन के लिए 1330 रुपये। लगभग मान लो 1330 को हाफ करोगे तो क्या होगा, 650 अप्रॉक्सीमेटली। तो वाराणसी में इतना प्राइम लोकेशन, ये बहुत ही भैया प्राइम लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, सच्ची बोल रहा हूँ। वाराणसी के जो काशी कॉरिडोर है, इसके जो छत पे ऊपर जाओगे तो काशी कॉरिडोर का पूरा व्यू दिखता है, एकदम पास है, और यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है जो रिवर साइड, जहाँ पर जो वाराणसी का फेमस क्या होता है, शाम का जो होता है ना, जिस लाइक शाम का पूजा होता है, ओके, वो आरती, इवनिंग का जो आरती होता है, वो नदी का एकदम जो घाट है, मेन जो घाट है वाराणसी का, यहाँ से जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस अभी मैं होके आया हूँ। सो भाई मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आउट ऑफ 10 मैं तो 9 ही देना चाहता हूँ, 10 ही देना चाहता हूँ। देखो पैसे दोगे तो बहुत होटल मिल जाएगा, बट होटल का बिहेवियर है ना अच्छा होना चाहिए, इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप फैमिली के साथ आ सकते हो, रह सकते हो, आप अगर चाहो तो अकेला आ सकते हो। अकेला कहाँ रहोगे आप दिखाएंगे आपको, डॉर्मिटोरी पे लेके जाएंगे, जो हॉस्टल डॉर्मिटोरी यहाँ पर ही डॉर्मिटोरी है, सिंगल बेड वहाँ पर कैसे वो भी दिखाएंगे आपको। बिहेवियर अच्छे, कम्युनिकेशन अच्छे, बजट इतना कम है 650 में, 1200 में इतना खूबसूरत होटल, आई एम सो हैप्पी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आना चाहते हो, अगर इफ़ यू ट्रस्ट मी यू कैन बुक दिस होटल, आप
आप मुझको थैंक यू दोगे। थोड़ा सा गली के अंदर है, बिकॉज ये वाराणसी है ही गली का शहर, थोड़ा गली के अंदर है, कोई इशू नहीं है, पैदल पैदल चले जाओ, एक मिनट डेढ़ मिनट एक दो गली अच्छा लगेगा। वाराणसी का गली तो भाई एक तो नॉस्टैल्जिक इमोशंस है इंडियंस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। चलिए अभी जाते हैं कहाँ पर, डॉर्मिटोरी वाला पोर्शन में, वहाँ का रूम की सीन भी आपको दिखाते हैं। सो भैया ये है डॉर्मिटोरी का सीन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार ठो बेड लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और भी डॉर्म्स है। तो अगर मैं अकेला हूँ तो भाई मेरा तो प्रेफर होगा ये ऊपर वाला बेड, यहाँ पर सो जाऊँगा। और यहाँ पर देखो एक सीढ़ी भी है, सीढ़ी लगाओ, यहाँ पर आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकते हो। रेट बहुत ही नॉमिनल है, एज यू कैन चूज एनी वन। यहाँ पर देखो एक वॉशरूम भी है, ये वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है जो लोग डॉर्मेटरी में रहते हैं सभी मिलकर यूज़ करते हैं। बड़ा बड़ा तो गीजर है, नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ सुथरा। यहाँ पर एक मिरर भी है जहाँ के सामने आप खड़े होकर यू कैन सी योर सेल्फ। सो भैया ये था पूरा डॉर्मिटोरी का सीन। और एक नहीं, बहुत सारे डॉर्मिटरी है, ये डॉर्मिटोरी है, ये भी एक डॉर्म्स है, जैसे एक मैंने बोला दिखाने के लिए, पर गेस्ट प्लेस वगैरह है, बहुत सारे डॉर्मिटोरीज है जहाँ पर आप एज अ सिंगल टूरिस्ट रह सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे इस होटल का जो मैनेजर साहब है उसके साथ। सो मैडम आपका नाम थोड़ा सा बोलिए ना। आई एम सानिया सिंह। सानिया जी, तो सानिया जी थोड़ा सा दो तीन चीज़ बताइए, मुझको तो पता है, मैं तो रह रहा हूँ दो दिन हो चुका है। सो आप लोगों का कौन सा रूम्स है, एक डॉर्मिटोरीज है और क्या क्या चीज़ है बोलिए। एक डॉर्मेटरीज है, एसी डिलक्स रूम है, एसी डिलक्स है, हाँ, और ट्रिपल बेड एसी डिलक्स वो भी है, स्टैंडर्ड रूम भी है, हमारे पास फाइव टाइप्स के रूम है, फाइव टाइप्स रूम है। तो भैया अगर आपका डिमांड हो, अगर आप फैमिली के साथ आ सकते हो, आ रहे हो, चार पांच जन ऑफिस के लिए रूम है, दो जन आ रहे हो, कपल आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ आ रहे हो, ठीक है, बच्चे के साथ, उसके लिए भी रूम है। और अगर आप सिंगल सिंगल आ रहे हो, ओके, एज अ सोलो ट्रैवलर, एज अ बैकपैकर, वो भी आप आ सकते हो। तो मैडम मेरा जो रूम का तो वो वाला कौन सा रूम है, 3301 रूम आपने दिया, ये डबल बेड का रूम दिया है, डिलक्स रूम है, इसका तो भाड़ा तो बहुत ही सस्ता, मीन्स 650 के आसपास मेरा रेट पड़ा आप लोगों ने जो बुकिंग मैंने किया booking.com से। आप थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा रेट थोड़ा सा बोल दीजिए ना। तो एक तो सीजन के वाइज अप्स एंड डाउन हो जाता है, टूरिस्ट सब ज्यादा होता है, डाउन होता रहता है। एक मोटा मोटी आइडिया जो लोग देख के एक आइडिया करके आ सकते हैं, डॉर्मिटोरीज का, डॉर्मिटोरीज का तो 400 सिर्फ डॉर्मिटोरीज का, ओके, और डिलक्स रूम का 1200 और जो ट्रिपल बेड है उसका 1600 से, ओके, एक दिन के लिए बोल रहे हो ना। हाँ, वन टाइम। तो ये मेरा वाला रूम कौन सा रूम था जो 650 में दिए थे, डिलक्स रूम। अच्छा अच्छा, सो ये आपने देख लिया जो कैसे आप रूम बुक कर सकते हो। ये मैम सोनिया मैम, राइट, सानिया मैम। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ भैया, यहाँ होटल तो इससे भी बड़ी होटल मिल जाएगा, बट व्यवहार जो बिहेवियर होता है ना एक होटल वालों का, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े होटल में जाकर देखा है कस्टमर के साथ कितना बदतमीजी करते हैं, बिहेवियर समथिंग बहुत ही बुरा टाइप ऑफ बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर मैं कल आया था, कल दूसरा भाई साहब, तो उसका नाम क्या था, अभिषेक चतुर्वेदी, हैट्स ऑफ, ही इज अ वेरी जेंटलमैन, कितना हेल्प किया। आज सुबह से ये सानिया जी है, उसके साथ एक दूसरा अजय सर भी है, अजय सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन लोग का बिहेवियर इतना बढ़िया है, मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन ले लो, आप कुछ मदद चाहिए, मदद ले लो, आप घूमने के लिए गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी भी आपसे बुक कर सकते हो। अजय सर ने बोला था हम लोग का प्लान है थोड़ा सा बाहर जाने का भी, ओके, उस जगह का नाम क्या है, विंध्याचल, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी के लिए आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, भाई साहब के साथ बात कर लो, मैम के साथ बात कर लो, तो गाड़ी आप हाजिर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई, आई एम क्वाइट हैप्पी, थैंक यू। और सबसे बढ़िया बात इस होटल का इंटीरियर देखो, लुक एट द इंटीरियर, कितना खूबसूरत इंटीरियर है, लाइट माइट झकाझक, ऑल दिस थिंग्स आर। सो भैया तो एक खूबसूरत से होटल में आने के बाद एक्सपीरियंस अगर ठीक हो तो भी तो मज़ा आएगा ना। तो ये अजय भाई साहब है, ये सानिया भाई मैम है, और दूसरा अभिषेक जी है, और मैं हूँ। चलिए अभी व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हो, सब एन्जॉयड द वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर सिवारे हो तो हाईली आई रिकमेंड भाई, अगर बजट थोड़ा सा टाइट हो, बेटर फैसिलिटीज चाहते हो, यहां पर आ जाओ।